हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी नई स्टोरी है लायन एंड द माउस। अगर किसी को मैं बहुत शॉर्टकट में मैंने ये स्टोरी रेडी की है, तो इतने शॉर्टकट में ही आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। आपको कैसे प्रेजेंट करना है वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने ये प्रॉप बनाए हैं और एक ये छोटा सा माउस बनाया है। नाउ लेट्स स्टार्ट। मतलब मिनिमम में हम मैक्सिमम क्या प्रेजेंटेशन कर सकते हैं वो है। देखिए, वन डे अ बिग लायन वॉज स्लीपिंग स्लीपिंग स्लीपिंग। अ टाइनी माउस केम एंड जंप ओवर इट एंड जंप ओवर इट एंड प्लेइंग विथ हिज हेयर प्लेइंग विथ हिज हेयर। लायन वोक अप एंड गॉट एंग्री एंड कॉट द माउस। वाओ वाओ, आई विल ईट यू। The mouse said, "Oh, big lion, please don't kill me. Please don't kill me. One day, I will help you." Lion was very kind. He set the mouse free. "Okay, you can go now." After a few days, again, lion was sleeping, 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 sleeping. One hunter came and caught the lion in a net. अब मेरे पास नेट नहीं था तो आई यूज अ पॉलीबैग। कॉट द लायन इन नेट एंड स्टार्ट रोरिंग। वाओ वाओ, वो जाग गया। वाओ, क्योंकि जब वो सो रहा था तब उसने नेट डाला और नेट डालने के बाद वो जाग गया। वाओ, ओ हेल्प हेल्प, बट नोबडी डेयर्स टू कम। किसी को हिम्मत नहीं थी उसके पास आने के लिए। द टाइनी माउस कैन पुट। व्हाट हैपन बिग लायन, व्हाई आर यू शाउटिंग? आई एम इन नेट, हेल्प मी। द माउस सेड, ओके आई विल सेट यू फ्री, आई विल कट द नेट। उसने कुट। ही कट ऑल द नेट एंड मेक द लायन फ्री। Lion became very happy. From that day, lion and the mouse became good friend. The moral of the story is, good thing always revert back. Thank you.